रजिस्ट्रेशन आईडी न होने के कारण जितने भी लोग PGCIL का एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं वो लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस उनके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, लॉगिन विद ओटीपी पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे ओटीपी डाल के वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना होगा। देन लॉगिन हो जाने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड शो हो जाएगा, आपको पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे ऊपर आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाएगा, आपको इसको कॉपी कर लेना होगा। अब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपके पास एक दूसरी लिंक होगी, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे रिसेट पासवर्ड पे क्लिक करना होगा। देन उसके बाद जो आपने अभी लॉगिन आईडी अपना जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो आपको यहाँ पे पेस्ट करके कैप्चा डाल के गेट पासवर्ड पे क्लिक करना होगा। जैसे आप गेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ईमेल आईडी शो हो जाएगा, इसी ईमेल आईडी पे आपको एक लिंक सेंड किया गया है। अब थोड़ी देर बाद ही आपके पास एक मेल आएगा, पासवर्ड रिसेट रिक्वेस्ट, आपको इस पर क्लिक करना होगा। नाउ यहाँ पे फ्रेंड्स आपके सामने एक लिंक दिया गया होगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आपको अपना नया पासवर्ड क्रिएट कर लेना होगा। पासवर्ड आप बना सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पे कैपिटल ए BC@123 इस टाइप से जो है आप पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। दोबारा से फिर से यही चीज़ जो है अपना कन्फर्म पासवर्ड में डालेंगे, कैप्चा डाल के फिर से कन्फर्म करेंगे। अब कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इस पेज पर। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन आईडी फिल रहेगा, आपको पासवर्ड जो अभी आपने बनाया है वो पासवर्ड डालना होगा, कैप्चा डाल के लॉगिन पे क्लिक करना होगा। अब फ्रेंड्स लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल्स ओपन हो जाएगा। इसी के साइड में आपको ऊपर आल का बटन शो होगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने एडमिट कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसी के नीचे यहाँ पे देखेंगे तो एक ऑप्शन शो हो जाएगा, उसमें लिखा होगा एडमिट कार्ड, इस पर क्लिक करना होगा। इस तरीके से आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो भी लिखा है आप प्रॉपर वे में पढ़ सकते हैं।